सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए आज का जो हमारा वीडियो है वो हम सिक्स क्लास का बनाए हैं, क्योंकि अतीत से वर्तमान किताब का 14वां अध्याय हमारे इतिहास का। तो हम इतिहासकारों के कुछ जो है इतिहासकार के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग जो है आपको अनेक प्रकार की जानकारियाँ दी हैं, उसमें अजंता की गुफा या जो भी राजवंश है उनके बारे में भी हमने आप लोगों को डिटेल रूप से बताने का प्रयास किया है। बच्चों, आज जो है हमारा टॉपिक का विषय है वह है काशी प्रसाद जायसवाल, जो कि 1882 से लेके 1937 तक उनका जो है जीवन और मरण का काल रहा है। इसमें है काशी प्रसाद जायसवाल मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, के निवासी थे, ठीक ना। लेकिन इनकी कर्मभूमि पटना थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं जहाँ भी जो व्यक्ति जन्म लेता है वह जो है उनका जन्म धरती कहलाती है। लेकिन जहाँ पे वो अपने कर्मों से, जैसे यहाँ पे वो काम करते हैं या कोई उद्योग धंधा करे या व्यवसाय करे या जो भी काम में वो संलिप्त है, वह उनकी कर्मभूमि कहलाती है, ठीक ना। तो वह पटना में उनकी कर्मभूमि थी। ये पेशे से तो अधिवक्ता थे, लेकिन अधिवक्ता मतलब होता है वकील, ठीक ना बच्चों। तो वकील थे, लेकिन इनकी ख्याति भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के महान विद्वान के रूप में ज़्यादा हुई, ठीक ना। हिंदू राजतंत्र, प्राचीन भारतीय राजतंत्र पर उनके विचारों, लेखों एवं पुस्तकों ने इतिहास लेखन में क्रांति लाई। चूँकि वह आपको कभी बताया है कि अधिवक्ता मतलब वकील होते हैं, तो वह वकील थे, लेकिन वह लेखनी का कार्य करते थे। तो अपने लेखों से, विचारों से, पुस्तकों को जो है लेखन करते थे। इनके लेखन जो थी वह बहुत ही अच्छे और लोकप्रिय साबित थी ना। उनके इतिहास लेखन में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई पुराने विचार समाप्त हो गए काशी प्रसाद जायसवाल की आर्थिक स्थिति तो बच्चों, इसमें आप लोग को हमने काशी प्रसाद जायसवाल के बारे में बताया है। अब आगे बता रहे हैं कि काशी प्रसाद जायसवाल की आर्थिक स्थिति बचपन में अच्छी नहीं थी, ठीक ना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही लंदन मिशन, आजकल बाबूलाल जायसवाल हाई स्कूल में हुई, मतलब कि एक बाबू लंदन मिशन इस स्कूल का नाम था, ठीक ना, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नामक स्थान के जगह पर था, गांव में था, ठीक ना। तो इसमें इनकी व्यक्तित्व पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इनका मन पैतृक व्यवसाय में नहीं लगा, मैंने इनके जो पूर्वज लोग, इनके घर के लोग जो भी कार्य कर रहे थे उनमें जो है व्यवसाय कर रहे थे, उस व्यवसाय में इनका मन कदापि नहीं लगा। ये जो है उन लोगों से कुछ अलग करना चाहते थे और अपने मानसिक क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहते थे, ठीक ना। तब इन्होंने 25 वर्ष की आयु में इंग्लैंड जाकर पढ़ने की इच्छा व्यक्त, इन्होंने 25 वर्ष के इनकी जब आयु हो गई इन्होंने विदेश जाकर तो इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई को पूरी करने की इच्छा व्यक्त। तो व्यक्त किया इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड का नाम आपको सुने ना, जो कि बहुत ही नामी विश्वविद्यालय है। इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की, ठीक ना। इतिहास में उन्होंने क्या किया, एमए की डिग्री हासिल की। आगे देखते हैं, तो इन्होंने क्या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। अपने वक्त वेनेस्ट्री की पास किया और इन्होंने एमए की डिग्री हासिल किया। अगले वर्ष में इन्होंने बलेस्ट्री, जो कि बोकारो की बहुत बड़ी डिग्री होती है, वेनेस्ट्री, उन्होंने पास किया, ठीक ना। लंदन में इनका संपर्क श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाल खड़जाल सवारकर आदि से हुई।
फिर ना बच्चों, तो आप आज जो है आपका वीडियो जो हम इतना ही बनाना चाहते हैं, आप जो है घर पे आज जो है काशी प्रसाद जायसवाल के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जो भी तथ्य हैं तथ्यों का जो है अवलोकन करेंगे, ताकि अगले वीडियो जब भी हम इसके बारे में जो है काशी प्रसाद जायसवाल के बारे में आपको हम डिटेल रूप से पढ़ाएंगे बताएंगे तो आपको जो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जायसवाल जी का जीवनी जो है बहुत ही लंबी चौड़ी है और इस पर विशेष चर्चाएं अभी बाकी है। ठीक है ना बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।